हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विश्वजीत डे जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे द चाइनीज़ इमॉर्टल गेम के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो कि सन 1978 में खेली गई थी और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे चाइनीज़ चेस मास्टर लुई वेंजे और डच ग्रैंड मास्टर जैन हैन डोनर। फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से डोनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे लुई वेंजे से इतनी गजब की गेम। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की चाइनीज़ खिलाड़ी ने e4 के साथ, तो d6 यहाँ डोनर ने किया पिक डिफेंस। d4 नाइट f6 स्क्वायर पर, e4 पॉन पर अटैक है तो इसका डिफेंस नाइट c3 सिंपल। देन g6 बिशप e2 स्क्वायर पर, देन बिशप g7। और यहाँ तक फ्रेंड्स मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक था और कोई भी वाइट का खिलाड़ी वाइट की तरफ से खेलने वाला यहाँ नाइट को मूव करेगा f3 स्क्वायर पर। लेकिन पता नहीं यहाँ लियू को क्या सूझा, उन्होंने यहाँ किया g4। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड मूव है। देन h6 ताकि ये जी पॉन और ज़्यादा आगे पुश ना हो। देन h3 तो d5 पॉन एक्शंस ऑफर, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है पॉन एक्शंस करने की। यहाँ लियू ने किया d5 और इसके बाद ब्लैक ने यहाँ कैसल किया। और चूंकि अब ब्लैक कैसल कर चुका है, आपको उसके किंग का एड्रेस पता है, तो अब यहाँ वाइट ने अपने इस एच पॉन को आगे पुश कर दिया है। किंग के कैसल की तरफ अटैक करना शुरू कर दो। और यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि वो अपनी क्वीन को डेवलप कर ले a5 स्क्वायर पर। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ देर के लिए, ठीक है। यहाँ ये नाइट पिन होता है, कुछ देर बाद ये जब नाइट हटेगा, ब्लैक का नाइट हटेगा, तो बिशप के साथ कुछ अटैक तो बनेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। वाइट ईजिली मैनेज कर सकता है इस सिचुएशन को। खैर, ब्लैक ने वो मूव चला ही नहीं था, उन्होंने यहाँ किया था e6। और यहाँ सेंटर में पॉन को, जो दो पॉन आगे आ चुके हैं, उनको कम से कम एक को तो एलिमिनेट करो, g5। और नाइट पर ऑब्वियस अटैक बन ही गया है, h टेक g5, देन दोबारा नाइट पर अटैक है, तो नाइट गया e8 स्क्वायर पर, क्वीन d3। और फ्रेंड्स, अब यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर समझ में आती है। ये क्वीन पहले g3, देन h4, और उसके बाद यहाँ इस h7 स्क्वायर पर जाकर चेकमेट करने की तैयारी में है। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया e टेक d5, knight takes d5। और ये नाइट के d5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ देखें ये दो इंपॉर्टेंट e7, खासकर e7 स्क्वायर तो इस नाइट ने कवर अप किया ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से ब्लैक को यहाँ नाइट को c7 स्क्वायर पर ले जाने के ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये गेम आगे बढ़ी थी, यहाँ वाइट का ये नाइट इस d5 स्क्वायर पर ब्लैक के लिए कम से कम नहीं होना चाहिए था। पर शायद डोनर उतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर पाए, उन्होंने यहाँ किया नाइट c6। तो क्वीन गई g3 स्क्वायर पर, वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ ही काम किया। और मेरे ख्याल से अगर इसी समय पर ब्लैक अपने इस एफ पॉन को आगे पुश कर देता तो शायद ठीक रहता, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो g takes f6 एंपसेंट वाइट चलो कर भी दे, तो उसके बाद knight takes f6, queen takes g6, और फिर नाइट चलो दोबारा क्वीन पर अटैक बन भी गया, तो knight takes f6 चेक, rook takes f6, queen f7 चेक, पोजिशनल एडवांटेज किंग मूव होता, पोजिशनल एडवांटेज क्लियर कट यहाँ आप वाइट को दे सकते हैं, लेकिन ब्लैक इस गेम को मैनेज कर लेता। पर ब्लैक ने यहाँ किया बिशप e6, नाइट पर ही अटैक बनाया, queen f4, और यहाँ सीधा चेकमेट की थ्रेट। यहाँ इस नाइट पर अटैक तो बना है, लेकिन थोड़ा लेट हो चुका है। अब ब्लैक चाहे कुछ भी करे, अपने इस एफ पॉन को f6 स्क्वायर पर रखे या फिर f5 स्क्वायर पर, रिजल्ट एक ही होने वाला है। यहाँ ब्लैक ने किया था f5, तो queen h7 चेक, king f7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज करें और क्या आप किसी तरह का कोई चेकमेटिंग कॉम्बिनेशन पैटर्न या एनीथिंग कुछ भी बना सकते हैं, ज़रा बनाने की कोशिश करें। यहाँ वाइट ने किया था queen takes g6 चेक, और यहाँ चाइनीज़ चेस मास्टर ने अपने उस क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया है, और सेक्रीफाइस एक्सेप्ट करना ही होगा। king takes g6 कोई वजह नहीं है, क्वीन मिल रही है फ्री में। bishop h5 चेक, और इस चेक से बचने के लिए अब ब्लैक को एच फाइल में ही आना पड़ेगा। किंग गया h7 स्क्वायर पर, देन bishop f7 चेक। अब इस चेक का डिफेंस क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से तो कोई भी डिफेंस नहीं है। हाँ, ये बिशप ही बीच में लग सकता है, bishop h6। और अब मान लो वाइट यहाँ इस बिशप को अपने रुक से ले, चेक तो आएगी, लेकिन ये king g7 स्क्वायर पर आकर सेफ हो जाएगा। तो यहाँ लियू ने किया g6 चेक,
अब किंग कहाँ जाएगा, अगर ये किंग जाता है h8 स्क्वायर पर तो उसके बाद रुक टेक्स h6 चेक होगा, किंग के लिए g7 स्क्वायर ही बचेगा, देन रुक h7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था इस नाइट ने ये दोनों e7 और f6 स्क्वायर कवर किए हुए हैं। खैर यहाँ ब्लैक ने अपने किंग को g7 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन फाइनल मूव था लियु विन्जे का, वो था बिशप टेक्स h6 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद जेन हैंड डोनर ने रिज़ाइन कर दिया रेजिग्नेशन की वजह। अब ये चेक मेट किस तरह से बची जाएगी, अब इस चेक से प्रेजेंट चेक से बचने के लिए ब्लैक को अपने किंग को मूव करना होगा, सिर्फ h8 स्क्वायर ही बचता है उसके लिए, और उसके बाद ये बिशप चाहे इस रुक को ले या हट जाए बीच में से, दोनों ही सूरतों में चेक मेट है। बिशप g5 चेक, किंग g7 स्क्वायर पर आ भी गया तो रुक h7 चेक, और यहाँ ये मेट। फ्रेंड्स रियली में चाइनीज इमॉर्टल गेम थी, डच ग्रैंड मास्टर को उम्मीद भी नहीं रही होगी इसकी, इस गेम का अंत इस तरह से होने वाला है। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो विश्वजीत डे जी की ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।